Hello everyone, my name is Hari Mohan Rai. I am an assistant professor in Krishna Engineering College in the Department of Electronics and Communication Engineering. So today I am going to discuss you about the very important topic of Unit 1, which is nothing but the part of basic electronics engineering called PN junction diode. It is the most important topic of this unit. So this is also called semiconductor diode, and we have to mostly focus and understand this topic, and we have to give complete concentration on it. I hope you will be able to understand. Before that, we'll recall the previous topic, previous lecture we have studied. So I'm going to recall you out what we have studied. We have studied about the types of semiconductor. Type of semiconductor में हमने intrinsic और extrinsic type semiconductor के बारे में पढ़ा था, because दो type के semiconductor होते हैं, intrinsic type and extrinsic type. और intrinsic को हम लोग pure semiconductor बोलते हैं, और extrinsic को impure, मतलब इसमें हम कुछ impurity को add करते हैं. और adding based on added impurity, ये दो type में divide होता है, n type and p type. तो n type का मतलब अगर इसमें pentavalent impurity add किया हमने, तो ये n type बन गया. और अगर इसमें हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, तो वो क्या कहलाया, पी टाइप बन गया, है ना. और इसके बेसिस पे, एन और पी टाइप के बेसिस पे, एन को हम याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव टाइप बोलते हैं, यानी कि इसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, एज ए मेजोरिटी होते हैं. और पी मतलब पॉजिटिव, यानी कि होल्स पॉजिटिव संख्या ज़्यादा होती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पी टाइप एंड एन टाइप, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिमेंबरिंग इट आउट. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक, विच इज़ नथिंग बट वॉकिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड, और इसको सेमीकंडक्टर डायोड भी बोलते हैं. और ये होता क्या है, और क्यों हम पीएन जंक्शन डायोड की तरफ जा रहे हैं? तो जनरली मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, कि अगर नॉर्मल अभी की कंडीशन में हमारे पास डिवाइस जो अवेलेबल है वो है, अगर हम सेमीकंडक्टर को हटा दें तो कंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर मीन्स या तो वो कंडक्ट करेगा, और इंसुलेटर मीन्स वो नहीं कंडक्ट करेगा. क्लियर है? तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि हम उसे कंट्रोल कर सकें, यानी कि वो कंडक्ट करे लेकिन अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन, है ना. वो ज़्यादा कंडक्ट करना है, कम कंडक्ट करना है, किस समय करना है, किस समय नहीं करना है. ओके, तो दैट्स व्हाट फॉर द पर्पस ऑफ वी आर गोइंग फॉर द सेमीकंडक्टर डायोड. अब सेमीकंडक्टर डायोड का एक ऐसा डिवाइस है जो कह सकते हो कि ये ऑटोमेटिक स्विच है, मैकेनिकल स्विच है, जो कि डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ये कंडक्ट कर ऑन होता है एंड ऑफ होता है. उसके बारे में जब हम इसको पढ़ के समझ लेंगे, तो समझ पाएंगे कि हम ये कैसे ऑटोमेटिकली ऑन होता है, नॉट ऑटोमेटिकली ऑफ होता है. जनरली हमारे यहाँ पे अभी कंडीशन क्या है, हमें स्विच को मैनुअली ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है, लेकिन ये डिपेंडिंग अपॉन सप्लाई, जैसा हम इसको पॉजिटिव या निगेटिव सप्लाई देंगे, उसके हिसाब से अपने आप ये ऑन एंड ऑफ होगा. तो इस वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी. सो दैट्स व्हाट द फर्स्ट टॉपिक इज, इफ द P and N type semiconductor, यानी कि P and N type के जो हमने semiconductor पढ़ा था, जिसमें P positive और N negative type जिसको हम लोग बोल रहे थे, और उसको हम combine करते हैं with means of some physical process जो कि उसके crystalline structure को बिना disturb किए हुए, that is known as a PN junction diode. Once again I repeat the definition, P and N type of semiconductor combined together by means of some physical process which do not disturb the crystalline structure is known as PN junction diode. Okay, now when come to the walking of p-n junction diode, let us see how does it work. P-n junction, first of all, very important this line is, p-n junction is a two terminal device. What is the meaning of terminal? Terminal means जो terminate होता है, यानी कि जहाँ पे दो चीज़ें terminate होती है उसमें दो होता है, यानी कि एक end, एक start and end, यानी कि इसके दो terminal होते हैं, starting और ending. जैसे आप रजिस्टर ले लिए, तो रजिस्टेंस में क्या होता है, कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग होता है. तो दिस इज टू टर्मिनल डिवाइस, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग. उसी तरीके से, और द एप्लीकेशन ऑफ वोल्ट डिपेंडिंग अपॉन द, जो मैं इसको सप्लाई देता हूँ, या जो वोल्टेज में अप्लाई करता हूँ, या जो उसमें इसको मैं वोल्टेज के अप्लाई करने के बेस पे, इसको हम तीन पॉसिबिलिटीज इसकी बनती है, यानी कि ये कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, या ये जो है डिपेंडिंग अपन एप्लीकेशन, ये कैसे कैसे वर्क करेगा. तो लेट अस सी, ये जो है पहला कंडीशन, जब हम कोई वोल्टेज नहीं देते हैं, सिर्फ पी और एन को हमने कंबाइन किया और कुछ भी नहीं किया. ओके, जब हम सिर्फ पी और एन को कंबाइन किया और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उस कंडीशन में मेरा पी एन जंक्शन सिर्फ फॉर्म होगा, बनेगा, यानी कि पी एन जंक्शन का जो फॉर्मेशन होगा वो पहली कंडीशन से होगी. अब इसके बाद वर्किंग जो होगी वो यहाँ से होगी, यानी कि अगर VD का मतलब डायोड वोल्टेज, इसका मतलब ये कि जब डायोड में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो जीरो है तो नो बायस हो गया.
अगर उसकी वोल्टेज जीरो से बड़ा है, यानी कि जीरो से ज़्यादा मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें भी कंडीशन है जीरो से बड़ा कितना, तो वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आता है। आइडियल कंडीशन में ग्रेटर देन जीरो लेके चलते हैं। एंड अगर हमने अपोजिट यानी कि लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो रिवर्स बायस उसको कहते हैं। लेट अस सी वन बाय वन इन डिटेल। इन नो बायस कंडीशन, जैसा कि हमने बोला था कि बार बार बायस की बात आ रही है, व्हाट इज बायसिंग बायसिंग बायसिंग। सो पहले हम समझ लें कि बायसिंग होती क्या, व्हाट इज बायस, किसको बोलते हैं। बायस एक टर्म है ये, जिसको बायसिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई भी अगर एक्सटर्नल डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं किसी भी डिवाइस में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। एक्सटर्नल का मतलब अलग से, है ना। अगर कोई सिस्टम का हिस्सा है, बैटरी है, तो बात अलग है, लेकिन अगर उसके अलावा, सिस्टम के अलावा अगर हम कोई अलग एक्सटर्नल डीसी सप्लाई डीसी वोल्टेज हम देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम नो बायस पे। तो नो बायस का मतलब ये हो गया, सबसे पहले बात समझने की ये है कि देर इज, अगर हम कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देते हैं, यानी कि नो एक्सटर्नल सप्लाई इज गिवन, यानी कि डीसी सप्लाई इज गिवन, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नो बायस कंडीशन। यानी कि हम कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एन और पी को एक दूसरे के साथ कंबाइंड कर रहे हैं, तो क्या होता है। ओके, लेट अस सी। जब हम पी टाइप मटेरियल कंटेंस होल्स, जब हमें पता है कि पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन टाइप में मटेरियल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं। सबसे पहली बात, कंटेंस का मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, मेजोरिटी की बात करते हैं। हैंस अगर एक डिवाइस है, जैसे मान लो कि ये एन टाइप हो गया, है ना, ये इसको हम एन मान लिया, दूसरा क्या हो गया, इसको पी मान लिया। ओके, तो पी पी में हमें पता है कि पी में होल्स ज़्यादा होंगे, यानी कि अगर मैं पॉजिटिव से दिखाऊँ तो इसमें क्या हो गया, होल्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे लेकिन होल्स कम होंगे। क्लियर है, है ना। यानी कि दोनों को मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, बीच में ऐड कर दिया, कंबाइंड कर दिया। तो अब क्या होगा, जब दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो दोनों के बीच में चार्ज कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो जाएगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस का मतलब हो गया, इसमें पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है, इसमें नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है, है ना। तो क्या होगा, पॉजिटिव मतलब अब ये दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेंगे। तो सी द नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आएगा। तो ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ये पी साइड से जो होल्स है तो एन साइड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपने संख्या को यानी कि अपने कॉन्सेंट्रेशन को बराबर करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर, वाटर का एग्जाम्पल लीजिए आप लोग। तो वाटर को अगर मैं किसी फ्लोर पे या कहीं भी मैं जब पोर करता हूँ, गिराता हूँ, तो ऑटोमेटिकली हाई एरिया से लो एरिया की तरफ फ्लो करना स्टार्ट होता है, यानी कि हाई डेंसिटी एरिया से लो डेंसिटी एरिया की तरफ, जब तक कि वो उसका लेवल बराबर ना हो जाए। यहाँ भी यही काम होता है, यानी कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि जिसकी संख्या उसकी ज़्यादा होगी, वहाँ से लो की तरफ होगा, ताकि दोनों की संख्या बराबर हो जाए। तो इट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस पी साइड से एन साइड की तरफ होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड की तरफ इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ सप्लाई। इसको बोलते हैं फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया से चार्ज का फ्लो के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। गॉट इट। द प्रोसेस ऑफ flowing the charge from high concentration area to low concentration area is called diffusion. Okay, so next part is, as holes start flowing from p to n, because holes ka flow p se n ki taraf jata hai, and electron crosses the junction from n to p. Okay, junction ka matlab ye ho gaya ye part jahan pe dono ko humne merge kiya hai, this is n type ya p type, kidhar bhi le lo, isko humne n bola, isko p bola. तो जो जब दोनों को मैं यहाँ पे मर्ज करूँगा, जो यहाँ पे मिलेगा इस पोर्शन को, ये जंक्शन कहलाता है, यानी कि जहाँ पे दोनों को हमने मिलाया। तो कह सकते हो कि जब होल्स यहाँ से क्रॉस करेगा इधर, और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंक्शन को क्रॉस करेगा, तो किधर जाएगा, अपोजिट साइड में जाएगा। सो देयर विल बी द रिकम्बिनेशन ऑफ चार्जेस बिकॉज ऑफ विच होल्स विल रिकम्बाइन विद इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विद होल्स। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको फिगर से दिखा दे रहा हूँ मैं, ये आपके क्या है, पी साइड, पी टाइप है। तो पी में आप देख सकते हो कि ये जो है होल्स की संख्या ज़्यादा है, ये बहुत सारे होल्स हैं, होल्स को मैंने पॉजिटिव आयन से दिखाया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम है, दो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से अगर एन साइड में देखूँ तो मैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन होल्स काफ़ी कम है। अब क्या होगा कि ये होल्स जो है यहाँ से फ्लो करके जंक्शन को क्रॉस करके इधर आने की कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंक्शन को क्रॉस करके इधर जाने की कोशिश करेंगे। ये पोर्शन अभी नहीं फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये जो पोर्शन है इट इज़ नॉट फॉर्म एट। ओके, तो क्या होगा, इस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉन्स जब होल्स इधर आया तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये रिकम्बिनेशन होगा। रिकम्बिनेशन मतलब एक इसको
होल्स जो है, जस्ट आई विल शो यू आउट, होल्स आपको ये इधर आया तो इलेक्ट्रॉन के साथ ये मिल गया, यानी कि होल्स का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ओके okay? और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या होगा, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिला यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये एक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये इधर आने के बाद इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया यानी कि पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और इसने एक इलेक्ट्रॉन मतलब होल्स को ये डिनोट कर दिया यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो क्या बन जाएगा, ये निगेटिव आयन बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अभी आपने होल्स इधर आया, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से इधर आया है ना, तो जब होल्स यहाँ से आया इसका मतलब ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और जैसे ही ये इधर आने के बाद रिकम्बाइन किया यानी कि इसके एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा। सिमिलरली जब ये इधर से इधर मूव किया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर मूव किया तो यहाँ आने के बाद इसको क्या, इधर क्या हुआ, इसको एक होल्स मिल गए यानी कि, और ये रिकम्बिनेशन हो गया। तो इधर देखिए ये क्या माइनस है, माइनस का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हट जाएगा यानी कि ये एग्जांपल ले लो कि ये पी आयन है और पी आयन से एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अगर रिमूव हो गया, हट गया यानी कि किसी के साथ कंबाइन कर लिया, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी बन जाएगी तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ओके, अब इधर की बात करते हैं, इधर इस साइड में इधर क्या है कि मान लेते हैं कि इधर बोरोन है और यहाँ पे एक होल्स की कमी है, यहाँ पे होल्स की कमी है, अब इसको क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके आया और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है ना, इलेक्ट्रॉन जब मिल गया तो बोरोन पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बी माइनस आयन बन जाएगा है ना, दैट्स ऑल। इसी वजह से क्या होता है, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूँ, पी साइड में होल ज़्यादा होते हैं, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं मेजोरिटी में, तो अब चार्ज कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से पी एन की तरफ जाता है, एन पी की तरफ जाता है, और यहाँ पे आके रिकम्बिनेशन हो जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जिसमें होल्स को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को होल्स मिल जाते हैं, तो क्योंकि इधर इसको इसको एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो ये क्या बन जाता है, निगेटिव आयन, क्योंकि इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, और यहाँ पे क्या है कि एक इसने एक डोनेट कर दिया, होल्स ने एक इसको डोनेट कर दिया यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है, क्लियर है। तो इस वजह से ये जो इस साइड में यानी कि एन साइड में पॉजिटिव आयन की लेयर और पी साइड में नेगेटिव आयन की लेयर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, क्लियर, ओके। और जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाती है तो एक टाइम के बाद एक कंप्लीट लेयर यहाँ पे कंप्लीट इस साइड में देख सकते हो, ये पॉजिटिव की आयन की लेयर, आयन का मतलब वो फिक्स है, वो आयन मूवेबल नहीं होता है, तो एक तरीके से फिक्स आयन की लेयर एन साइड में और फिक्स आयन की लेयर पी साइड में इकट्ठा हो जाती है, और इस वजह से जो इस पोर्शन को जहाँ पे चार्ज इकट्ठा होते हैं दोनों साइड में, क्यों पॉजिटिव और क्यों आयन निगेटिव होते हैं बता दिया मैंने, है ना, तो इस आयन के लेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, और एक बार जब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लेयर बन जाएगी डिप्लीशन लेयर तो फर्दर जो चार्ज का मूवमेंट है वो रुक जाएगा। आप यू कैन सो इट आउट हियर, यहाँ पे इसको डिप्लीशन लेयर हमने बता दिया कि जो निगेटिव चार्जेस हैं उसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, और ये इमोबाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं होता है, फिक्स होते हैं, क्योंकि आयन का मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का मूवमेंट होता है, यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए आयन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, मूवेबल नहीं होते हैं, और ये आयन की जब लेयर दोनों इस जंक्शन के क्रॉस हो जाती है तो अब यहाँ से जो मूवमेंट इधर से मूव करने की कोशिश करेगा या इधर से मूव करने की कोशिश करेगा तो वो रिपल्सन की वजह से नहीं हो पाएगा, और ये जो है वो एक डिप्लीशन लेयर का काम करेगा, और जो क्यों डिप्लीशन लेयर का, इसको पोटेंशियल भी डेवलप होगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, जहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव की लेयर आपस में इकट्ठा होती है तो एक वो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम जंक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नो बायस कंडीशन। तो नो बायस कंडीशन में क्या हुआ, नो बायस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ होल्स का ट्रांसफर, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का होल्स का रिकम्बिनेशन हुआ एक दूसरे साइड में, और एन साइड में सिंपल वर्ड याद रखना है, एन साइड में पॉजिटिव आयन की लेयर, पी साइड में निगेटिव आयन की लेयर इकट्ठा हो गई, और जिसकी वजह से एक जंक्शन बन गया, एक लेयर बन गई, और उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ओके, क्लियर। और इसको हम लोग जंक्शन पोटेंशियल भी बोलेंगे, क्योंकि जो आयन्स होते हैं वो क्या करते हैं, चार्ज कंटेन करते हैं, और दो डिफरेंस ऑफ चार्जेस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसमें इसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, बैरियर का मतलब स्टॉप करने वाला, बैरियर करने वाला, मतलब हमें ये करता है, जैसे हम लोग रोड पे बैरियर होता है तो हमें क्या करता है, गाड़ी के स्पीड्स को, फ्लो को जो है था, वो स्टॉप करता है। ओके, तो अभी बैरियर पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे हो गया कि अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को।
अब इस केस में क्या होता है कि बैरियर पोटेंशियल जो होगा वो, अगर मैं सेमीकंडक्टर के तौर पे बात करूँ तो ये अगर पूरा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का होगा, और अगर जर्मेनियम है तो बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 0.7 वोल्ट तक ये जो है वो स्टॉप, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो 0.7 वोल्ट तक होगा। तो अगर मैं 0.7 वोल्ट से ज़्यादा कुछ पोटेंशियल दूंगा तभी कुछ इसको ये क्रॉस कर पाएगा या ब्रेक कर पाएगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा यानी कि जो वोल्टेज डेवलप होगा वो, अगर ये पूरा मटेरियल सिलिकॉन का है तो 0.7 का होगा, और पूरा मटेरियल अगर जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट का होगा अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द स्टडी। नाउ द मोस्ट पार्ट इज हमने नो बायस पढ़ा, तो नो बायस में क्या हुआ, सिर्फ हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड बन गया, यानी कि डायोड बन के तैयार है। अब मुझे इस पर क्या कराना है, काम कराना है, करने के लिए तैयार करना है। तो ये हमारा डिप्लेशन लेयर हो गया और इस तरीके से मेरा ये डायोड बन के तैयार हो गया। अब मुझे इसमें सप्लाई देते हैं तो जाके ये काम करना शुरू होता है। अब आते हैं उसके पहला कंडीशन है फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन को याद रखने का मतलब ये है पॉजिटिव सप्लाई। अब फैन की बात कर लो, अब क्या करते हैं, रेड वायर को, अगर मान लो ये रेड वायर है और ये ब्लैक वायर है, तो रेड को हम पॉजिटिव और ब्लैक को निगेटिव देते हैं, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव देते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर करते हैं, अगर पी टाइप मटेरियल, यानी कि इधर ये पी साइड है, ये मतलब पॉजिटिव, मान के समझ के चलते हैं, एन मतलब निगेटिव। तो अगर पी को मैं पॉजिटिव सप्लाई देता हूँ बैटरी का और एन को मैं निगेटिव सप्लाई देता हूँ, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन। सप्लाई देने का मतलब अब यहाँ पे बायसिंग कर रहे हैं, इसके पहले नो बायसिंग था, यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। यानी कि अगर पी साइड में पॉजिटिव चार्ज बैटरी का और एन साइड में निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को मैं अगर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ, ये मान लो कि बैटरी है इस तरीके से, बैटरी का इधर पॉजिटिव है और बैटरी का इधर नेगेटिव है, तो अगर मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि एन को नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से, तो ये कंडीशन कहलाती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ओके नेक्स्ट, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज जो हम सप्लाई देते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। नाउ ड्यू टू द, अब इसमें क्या होगा कि अगर हमने सप्लाई दिया और यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी बना हुआ है, पी साइड में ऑलरेडी प्लस ज़्यादा है, प्लस की संख्या ज़्यादा है ना, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बैरियर है यानी कि एक पोटेंशियल बन गया है, जंक्शन बन गया है, तो ना इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं ना इधर से इधर मूव कर रहे हैं, और इसकी एक सिलिकॉन का एग्जांपल लेके चलते हैं, इसकी जो पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट है ना। तो जब मैं सप्लाई दूंगा इसको, ओके, तो ये जैसे पहले बात कर चुके हैं हम लोग कि द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन अक्रॉस द जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड विच इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल, कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज, इस तरीके से हम इसको इसके नाम से बुलाते हैं। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ पॉजिटिव सप्लाई एट पी टर्मिनल, अब अगर हमने यहाँ पे पी है और पॉजिटिव सप्लाई दिया तो क्या हुआ, पी एंड यानी कि प्लस एंड प्लस का रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे, ये इधर की तरफ पुश करेगा यानी कि टुवर्ड्स द जंक्शन, और इधर माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को भी टुवर्ड्स द जंक्शन पुश करेगा, है ना। तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव सप्लाई द पी टर्मिनल होल्स विल बी रिपेल्ड टुवर्ड्स द जंक्शन, रिपल्शन होगा जंक्शन की तरफ, उसी तरीके से इधर इलेक्ट्रॉन्स का भी रिपल्शन होगा जंक्शन की तरफ, क्लियर। अब द होल्स रीस्टार्ट न्यूट्रलाइज, अब क्या होगा कि अगर मान लो कि ये होल्स है, इसको मैं माइनस को हमने यहाँ पे ये किया है, ये प्लस होगा, प्लस को इधर माइनस, तो प्लस को प्लस के साथ माइनस को माइनस के साथ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लस और ये माइनस, तो अब ये प्लस इसको रिपेल करेगा और इधर से माइनस रिपेल करेगा, तो क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे तो अब क्या हो गया, धीरे धीरे उसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पे जो आयन बनी हुई है वो क्या होगा, अब न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होगा, वो कम्प्लीटली उस वहाँ से आयन्स जो है डिसअपीयर होना शुरू होंगे। तो द होल्स स्टार्ट न्यूट्रलाइजिंग द नेगेटिव आयन्स, ये जो होल्स होंगे वो आयन को, नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है डिसअपीयर होना, वो कम्प्लीटली अपना आयन से, आयन का मतलब इसके पास एक ज़्यादा या कम है, तो आयन से कम्प्लीट वो क्या बन जाएगा, वापस अपने एटम्स फॉर्म में बन जाएगा। तो अगर मैं इसको पुश कर रहा हूँ, सिंपल वर्ड में समझना कि ये चौड़ाई है इसकी, यानी कि ये विड्थ है, एंड देन आई एम जस्ट पुशिंग इट आउट लाइक फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड, तो क्या होगा, इसकी विड्थ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इसकी विड्थ जो है कम हो जाएगी। तो डिप्लीशन के इसमें क्या होता है, इसका विड्थ रिड्यूस हो जाता है, कब, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब हम सप्लाई देना शुरू करते हैं तो जो उसकी कंप्लीट ये होती है पी टाइप, मैंने पी चार्ज, पी टाइप, पी साइड में होल्स जो हैं वो जंक्शन की तरफ और एन साइड से इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ आना शुरू होते हैं, फ्लो होना शुरू होते हैं, और इसकी वजह से जो जंक्शन की विड्थ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके क्लियर है। इसके बाद
व्हेन अप्लाइड पोटेंशियल इज फर्दर इंक्रीज, अब मान लो हमने अब ये तो रिड्यूस होना शुरू हो गया लेकिन अभी ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं जंक्शन को, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्योंकि क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है। तो जब हम वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा होगा, यानी कि जब हम वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं और इसकी जो कैपेसिटी है वो 0.7 वोल्ट तक ही है, तो जब 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इस जंक्शन यानी कि इस पोटेंशियल से को इजिली क्रॉस करना शुरू करेंगे, और एक समय आएगा जब 0.7 से ज़्यादा हम और ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्रीली जो है वो बहुत तेज़ी के साथ क्रॉस करना शुरू कर देंगे, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फ्लो, यानी कि फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, और इसकी वजह से जो करंट का फ्लो होता है वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। यहाँ के बाद जैसे मान लो यहाँ के बाद ये 0.7 वोल्ट है, जैसे 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करना शुरू करते हो तो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल राइज इन करंट होता है, और ये इसका उसकी वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इधर आपने प्लस दिया इधर माइनस दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, प्लस इधर टुवर्ड्स जंक्शन गया, माइनस टुवर्ड्स जंक्शन गया, डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो गई, और मैं बढ़ाते गया डिप्लेशन लेयर की विड्थ और कम होते गई, यानी कि पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होते गया, और जब 0.7 से यानी कि नी वोल्टेज से ज़्यादा मैं पोटेंशियल अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जंक्शन को क्रॉस करना शुरू होते हैं और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ करंट। ओके, अब ये तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गया, यानी कि क्या हुआ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, सप्लाई दिया पॉजिटिव को, पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव, और करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ 0.7 यानी कि नी वोल्टेज के बाद, है ना। अब रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, रिवर्स बायस को अगर सिंपल वर्ड में हिंदी में मैं बताऊं, रिवर्स बायस कंडीशन का मतलब ये हो गया कि उल्टा उल्टा कनेक्शन, हम जानते हैं ना गलत कनेक्शन कर देते हैं, यानी कि प्लस को माइनस या माइनस को प्लस कर देते हैं, तो इसलिए इसका मतलब होता है रिवर्स, यानी कि उल्टा कनेक्शन। तो रिवर्स कंडीशन में आप उल्टा करेंगे, यानी कि प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से, पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी किससे कनेक्ट करेंगे, एन साइड से, और नेगेटिव टर्मिनल किससे करेंगे, पी साइड से, तो क्या कहलाएगा रिवर्स। तो जनरली क्या होता है कि जब उल्टा कनेक्शन करते हो तो आपकी सर्किट जल जाती है, तो यहाँ पे भी सर्किट जलने की संभावना है, लेकिन नॉट इमीडिएटली, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, एंड हाउ इट विल टेक लिटिल बिट टाइम जस्ट अंडरस्टैंड। तो जब हम पी उल्टा कनेक्शन करेंगे, यानी कि पी को माइनस है और एन को प्लस है, तो क्या होगा, रिवर्स बायस की वजह से अब पी रीजन्स में, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं ये इस कंडीशन में, अब यहाँ पे देख सकते हो कि इधर प्लस है और यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया है, माइनस अप्लाई किया है, और इधर एन के साइड में क्या अप्लाई किया, प्लस अप्लाई किया है, तो माइनस एन प्लस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इधर की तरफ यानी कि अपोजिट टू द जंक्शन मूव करेगा, और इधर क्या होगा, ये भी अपोजिट टू द जंक्शन मूव करेगा, तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो पहले जो इतना ही लेयर थी आयन की, अब ये जो आयन की जो लेयर होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि और इधर से आपका इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो है अपोजिट टू द जंक्शन मूव कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो आपका अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, डिप्लीशन लेयर दोनों साइड में वो बढ़ जाएगा। ओके, अब ये इंक्रीज डिप्लीशन लेयर क्या करेगा, ये ऑल्सो राइज करेगा बैरियर पोटेंशियल को। पहले क्या था, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले क्या था, इसके अक्रॉस जंक्शन कितना था, 0.7 वोल्ट था, तो जब अब ये डिप्लीशन लेयर इतनी बड़ी हो गई तो ये जो अब जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा वो करीब करीब 4-5 वोल्ट के आसपास हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि अब तो इसमें अब मैं सप्लाई बढ़ाते जा रहा हूँ, इसमें ये सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहा हूँ, तो ये डिप्लीशन लेयर विड्थ बढ़ते जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट अब इधर जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो ये माइनॉरिटी जो चार्ज हैं वो करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इसके क्रॉस कोई भी जंक्शन, अब इतना इतना ज़्यादा पोटेंशियल अगर हो गया तो हम क्रॉस जंक्शन को नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से करंट का फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 5 वोल्ट का इसके पास पोटेंशियल डेवलप हो गया, तो अगर मैं 5 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ एक बार, रिवर्स यानी कि इससे ज़्यादा, या अगर मैं और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते गया, ये करंट फ्लो ड्यू टू द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन रिवर्स बायस कंडीशन इज जीरो, यानी कि मेजोरिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की वजह से करंट का जो फ्लो होता है वो जीरो न के बराबर होता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि माइनस एंड ये माइनस, ये देख सकते हो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये माइनस क्या है, इधर पी में माइनॉरिटी है, और इधर होल्स क्या है, एन में माइनॉरिटी है, तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा और इधर माइनस इसको रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से जब मैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा 5 वोल्ट से ज़्यादा, तो क्या करेंगे, इसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो पाएंगे वो जो कि माइक्रो एम्पियर में होते हैं,
और उसके बावजूद उसके बाद भी यानी कि रिवर्स वोल्टेज में अगर और इंक्रीज करते जाऊं और इंक्रीज करते जाऊं तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये जंक्शन ये जो है ब्रेक कर जाएगा और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेक डाउन ऑफ ए डायोड। क्लियर है? तो रिवर्स बायस में क्या हुआ, रिवर्स बायस में हमने पी साइड में निगेटिव एन साइड में पॉजिटिव अप्लाई किया। जैसे पी और अपोजिट अप्लाई किया तो क्या हुआ, हमारा जंक्शन दोनों जंक्शन के दोनों साइड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट जाना शुरू किए। जब अपोजिट जाना शुरू किए तो हमारे जंक्शन की विड्थ क्या हो गई, बढ़ गई। और जब जंक्शन की विड्थ बढ़ गई तो क्या हुआ, करंट का फ्लो स्टॉप हो गया। करंट फ्लो बंद होना, करंट हो ही नहीं पाता, करंट का फ्लो ही नहीं हो पाता। तो करंट का फ्लो लेकिन माइनॉरिटी करंट की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से माइक्रो एम्पियर में फ्लो हो पाता है और डिप्रेशन की जो पोटेंशियल है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं वोल्टेज सप्लाई अपोजिट निगेटिव वोल्टेज सप्लाई और बढ़ाते जाऊँ कि नहीं मैं 5 वोल्टेज 6 वोल्टेज अप्लाई करूँ तो क्या होता है कि जो डिप्रेशन लेयर होती है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि ब्रेक कर जाता है और काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम लोग रिवर्स ब्रेक डाउन ऑफ डायोड बोलते हैं। और ये किस कंडीशन में होते हैं, रिवर्स बायसिंग में होती है। अब इसके बाद एक जस्ट लास्ट लाइन है, लास्ट टॉपिक, डायोड करंट इक्वेशन। अब जो हमने अभी वर्किंग पढ़ा उससे एक डायोड करंट इक्वेशन बनता है और उसको हम लोग बोलते हैं डायोड करंट इक्वेशन। और ये होता है आईडी यानी कि करंट, डायोड करंट इज इक्वल टू आईएस इनटू ई टू द पावर वीडी डिवाइड बाय ईटा वीटी माइनस वन। वन बाई वन इसके मतलब समझ लेते हैं। आईडी का मतलब हो गया डायोड फॉरवर्ड करंट, मतलब जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट अप्लाई होती है उसको हम डायोड फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। और आईएस का मतलब सेचुरेशन यानी कि रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं, यानी कि रिवर्स में जो करंट फ्लो होता है उसको रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं। इसको आईडी को हम लोग आई या आईएफ से भी डिनोट करते हैं। सिमिलरली आईएस को भी हम लोग आईएस, आईजीरो या सिंपली आईआर से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से वीडी का मतलब डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, यानी कि फॉरवर्ड में जो डायोड में वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, या डायोड कह सकते हो कि डायोड वोल्टेज हम इसको बोलते हैं। जो वोल्टेज मैं अप्लाई कर रहा हूँ इधर से, जितना बैटरी की जो वोल्टेज है उसको हम लोग यहाँ पे वीडी से डिनोट करते हैं। ईटा एक कोफिशियंट है जो वेरी करता है सेमीकंडक्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और रिमेनिंग अगर सेमीकंडक्टर है तो उसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है वीटी, वीटी जो है वो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, थर्मल टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, जिसको कि हम केटी बाई क्यू से डिनोट करते हैं, जहाँ पे के वोल्टमैन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 1.38 × 10²⁻²³ जूल्स पर कूलम होती है। और टी जो है वो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर इन केल्विन मेजर करते हैं। सिमिलरली क्यू जो होता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, विच इज नथिंग बट 1.6 × 10²⁻¹ कूलम होती है। तो दिस इज द डायोड करंट इक्वेशन, विच इज वंस अगेन आई रिपीट, आई डी इज इक्वल टू आई एस ई टू द पावर वी डी या वी डिवाइड बाई ईटा वी टी माइनस वन। तो माइनस इसके साथ है, टोटल माइनस में। तो दिस इज द डायोड करंट इक्वेशन फॉर टुडे। दिस इज दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। वंस अगेन आई रिपीट, वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज जंक्शन डायोड, पी जंक्शन डायोड। जंक्शन का डायोड का फॉर्मेशन कब होता है, नो बायस कंडीशन में, जहाँ पे हम कोई भी सप्लाई नहीं होते हैं और डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, एक जंक्शन को क्रॉस करके एक डिप्रेशन लेयर बनती है। फॉर बायस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल सप्लाई देते हैं, पी को प्लस एंड एन को माइनस, और उसकी वजह से एक सर्टेन अमाउंट के बाद करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स बायस कंडीशन क्या होती है, रिवर्स बायस कंडीशन होती है जब हमने अपोजिट सप्लाई दे दिया, उसकी वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है और जंक्शन पोटेंशियल बढ़ जाती है, और उसके बावजूद भी हम करंट सप्लाई देना शुरू रखते हैं, चालू रखते हैं, तो जंक्शन पोटेंशियल ब्रेक हो जाती है और उसको हम लोग रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। सो एंड उसको हम लोग एक काम करते हैं, सो जो भी अभी हमने पढ़ा वो जस्ट 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन में हम अपने आप को टेस्ट कर लेते हैं। लेट अस होल्ड इट आउट एंड जस्ट चेक योर सेल्फ विद इन 2-3 क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, डायोड इज ए टर्मिनल डिवाइस। यस, क्विक आंसर, आई जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल। यस, डायोड इज ए टू टर्मिनल डिवाइस बिकॉज इट हैज टू टर्मिनल, यू कैन से पी एंड एन। सिमिलरली द सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल डीसी करंट सप्लाई, सॉरी एक्सटर्नल डीसी सप्लाई इज नोन एज, यानी कि अगर मैं डीसी सप्लाई अप्लाई करता हूँ किसी भी डिवाइस को तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। यस, इट इज नथिंग बट बायसिंग, इट इज कॉल्ड बायसिंग। बायसिंग मतलब एक्सटर्नल डीसी सप्लाई अगर मैं अप्लाई करते हैं तो उसको हम बायसिंग बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन,
when p type material is connected with the positive terminal, yes, see here, and n type is connected with the negative terminal of the battery, then it is called what? Forward or reverse? Yes, it is called forward bias. Similarly, the next question is, if reverse voltage is increased beyond a particular value, agar main kuch ek particular value se zyada main reverse voltage ko badha dun, to large reverse current flow by damaging the diode, which can damage the diode, this is called of a diode. This is called, yes, reverse breakdown of a diode. Next, write down the diode current equation. Just as last lecture humne padha tha diode current equation kya hota hai, id is equal to is e to the power vd divided by eta vt minus 1. So that's it from my side. Thank you everyone. In case of any queries, you can call me, contact me on hari.mohan@krishnacollege.ac.in. Thank you.